हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल कौशल विकास योजना की तरफ से जो आपके यहाँ पे न्यू वैकेंसी जारी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो ये पोस्ट आपकी निकाली गई है या आपके यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रीम आपकी ट्रेनिंग है, तो इसमें आपकी जो ट्रेनिंग इन मंथ ऑफ नवंबर 2024 आपकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, 18 से 35 ईयर। आपकी जो यहाँ पे एज है वो आपकी यहाँ पे बताई हुई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन मेथड है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 8/8/2024 इसकी। इसके बाद आपकी जो जॉब है वो आपकी ट्रेनिंग अंडर आपकी यहाँ रहने वाली है। अटेंडेंस आपकी 75% कंपलसरी है। इसमें ड्यूरिंग कोर्स आपका 3 वीक यानी कि 18 डेज आपका रहने वाला है। 55% रिटर्न में उस अदर डिटेल है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसमें आपकी जो यहाँ पे आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है 21/8/2024 आपके यहाँ रहने वाली है। इसके बाद आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट आपकी यहाँ पे होगी, आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, फोटो आइडेंटिफाई जो प्रूफ है आधार कार्ड है वो आपके यहाँ होना चाहिए, 10 रुपये का नो ड्यू स्टैम्प पेपर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ होना चाहिए। तो इसकी जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है डिटेल है वो आपको चेक कर लेनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आप आएंगे, आप अप्लाई पे भी आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ नोटिफिकेशन में आपका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो डालेंगे, आपका जो स्टेट है वो आप डालेंगे, आपका जो भी यहाँ इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप एंटर कर देंगे, सर्च पे आप जाएंगे और सर्च के बाद आपको जो भी आपके यहाँ पे ट्रेड है तो आपके जो भी यहाँ पे ट्रेड है वो आपको शेड्यूल है जो आपके अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, और इस पर आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे प्रेफरेंस है आपकी ट्रेड है देखने को मिल जाएगी। तो साइन अप पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको साइन इन आपको करना होगा, तो आपकी जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी है आपका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा। फिर इसके बाद आप कैप्चर को भरेंगे और साइन अप आप यहाँ कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आप कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है वो आप डालेंगे। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालने के बाद आपका जो भी यहाँ मिडिल नेम है लास्ट नेम है उसकी आपको एंट्री है वो आपको यहाँ कर देनी है। जब आप इसकी एंट्री कर देंगे उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी, आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा, आपको एक जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको अपर केस लोअर केस नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स में ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, कन्फर्म आपको करना होगा। साइन अप पे आप जब यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, तो 8 से 15 कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ अपर केस लोअर केस नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे साइन इन आप यहाँ कर लेंगे, आप ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे, आपका जो भी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर लेंगे, को भरना है कैप्चर को भर के लॉगिंग आप कर लेंगे। लॉगिंग करने के बाद आपको यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब प्रोफाइल पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी सारी डिटेल है, तो आपका जैसे कि यहाँ फादर नेम है, फादर नेम आप यहाँ पे देंगे, आपका जो मदर नेम है वो आप डाल देंगे, आपका जो यहाँ पे जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको अपना जो ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पता है तो आप इसे डालेंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे, आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी, एड्रेस सभी आप देख लेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर देखेंगे। सभी डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ आपकी जो भी यहाँ 10th का आपका बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ एंटर आपको यहाँ कर देना है। इसके बाद आपको जब बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, उसके बाद आपका जो भी यहाँ मार्कशीट नंबर है वो आप एंटर करेंगे। मार्कशीट नंबर एंटर करने के आपकी जो 10th में परसेंटेज है वो आप डालेंगे, किस वर्ष आपने यहाँ पे किस ईयर में आपने 10th पास करी है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका CGPA है तो आपको यहाँ 9.5 से आपकी जो यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज
परसेंटेज है वो आपको मल्टीप्लाई आपको यहाँ करनी होगी। तो आपको जो भी आपके CGPA नंबर है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको अगर आपकी CGPA है तो आप अपना इस तरह से आपके जो परसेंटेज निकालेंगे, अगर आपकी परसेंटेज है सीधे ही आप यह परसेंटेज एंटर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो इसके लिए आपको दो लाइन यहाँ दे के रखिए, आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप डालेंगे, आपका जो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो आप डालेंगे, आपका स्टेट है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अपडेट आप यहाँ कर सकते हैं। अपडेट जब आप यहाँ करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे आप यहाँ आ जाएंगे और अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे आपका नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका जो स्टेट है आपका इंस्टीट्यूट नेम है डालेंगे, सर्च आप यहाँ करेंगे और सर्च करने पे आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है उन पे आपको अप्लाई यहाँ शो होगा। तो आप यहाँ अप्लाई उस पर यहाँ आपने करना चाहते हैं अप्लाई आप यहाँ कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको अपना जो टेड है आपका जो मंथ है वो आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई पे आप जब क्लिक करेंगे दोनों पे आप करना चाहते हैं दोनों ही आपको यहाँ पे आपका टेड है और मंथ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबमिट आपको यहाँ करना होगा, जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप देख लेंगे, आपके जो यहाँ पे ट्रेनिंग है वो आप यहाँ देखने को मिल जाएगी, आपका जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ देख लेनी है। तो इसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे आपको जाना है, एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ चेक कर लेना है। एप्लीकेशन स्टेटस जब आप यहाँ चेक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ एनरोलमेंट नंबर है आपकी जो भी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी, एप्लीकेशन सबमिटेड आपको मिलेगी और प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलता है, इसका प्रिंट लेकर आप फ्यूचर रीच के लिए संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।